गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी 8th क्लास की मैथ्स की बुक है। आज हम लोग 8th के फर्स्ट चैप्टर, 8th का जो है आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर कर रहे हैं। रैशनल नंबर का जो पेज नंबर है 17, पेज नंबर 17 पे आ जाओ आप लोग, पेज नंबर 17, यस। इसका हम लोग ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 ऐड द फॉलोइंग कर रहे हैं, ऐड द फॉलोइंग। ये देखो, ये रहा ऐड द फॉलोइंग। इसका हम लोग पेज नंबर 17 का ऐड द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, रैशनल नंबर। इसमें सबसे पहले देखो, अगर आप लोगों को पता है ये एक फ्रैक्शन नंबर है, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो इसका डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। ये आपने 7th में भी सीखा था और 6th में भी सीखा है। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे, और यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग 1 7 लेंगे, क्योंकि यहाँ एक जैसा है। तो 2 7 सेम है तो हम लोग 1 7 ले लेंगे। अब देखो, सबसे पहली चीज़ है, 7 के टेबल में 7 कितने टाइम में आता है, 1 7 1 7, यानी 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम में। तो 1 को माइनस, यानी 1 यहाँ लिखेंगे इनटू माइनस 11, ऊपर का न्यूमरेटर लेंगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे। ये 7 के टेबल में 7 कितने टाइम में आता है, 1, तो 1 इंटू ऊपर का न्यूमरेटर क्या है हमारा, 4, तो 4 लेंगे। अब वापस हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 की जगह 7, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 1 11, लेकिन यहाँ पे 11 माइनस का है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 11, प्लस माइनस माइनस, फिर ये किसका साइन है, प्लस, तो ये एज इट इज प्लस लिखोगे यहाँ पे, फिर 4 1 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद में 7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये देखो, 4 यहाँ पे प्लस का है, 11 हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यानी 11 में से 4 जाएंगे, तो आपको पता है 11 में से 4 जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, 7 आएगा, 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा। अच्छा, 7 किसका बचेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 11 बड़ा है, 11 बड़ा है, यानी 11 के आगे जो साइन है वही साइन आएगा, यानी 11 यहाँ पे किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे साइन भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 11 बड़ी संख्या है तो उसी का साइन यहाँ पे आएगा। जो 7 बचा है वो किसका बचा है हमारा, इसी का बच्चा है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7, अब जब 7 को 7 के टेबल में, ये दोनों, इसका मतलब होता है डिवाइड, तो 7 के टेबल में 7 कितने टाइम में आता है आपको पता है, 1, तो 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम में, तो 1 जो आएगा वो माइनस का आएगा। दिस इज अवर आंसर। अब हम इसी का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, अगर जिसको समझ में नहीं आया वो वापस से समझ लेना। सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ले लेंगे। 5 के टेबल में 5 कितने टाइम में आता है, 1, तो 1 इनटू 3 ऊपर का न्यूमरेटर, देन आफ्टर प्लस की जगह प्लस। 5 के टेबल में 5 कितने टाइम में आता है, 1 इनटू, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2। वापस एक लाइन एज इट इज़ 5 उतार दो, 3 की को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, प्लस की जगह प्लस, 2 1 2, तो ये 2 किसका आएगा, माइनस का, और हमेशा माइनस को किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में, तो यहाँ हमने ब्रैकेट में लिखा। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप, वापस एज इट इज़ 5 लिखो, 3 प्लस माइनस माइनस 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये 3 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 किसका आएगा, प्लस का, तो 1/5, इसमें ये डिवाइड नहीं होगा। दिस इज योर आंसर।